हमारे अंदर कई प्रकार का ग्रहचारी एक क्रोध आकर के क्या कर दिया है। कई घरों में आप देख सकते हैं एक बहुत कंपनी के बड़ा से बड़ा मालिक हो सकता है, वो का संस्कार ऐसा होता है केवल कंपनी के एम्प्लॉय को ही अपने कंट्रोल में नहीं रखते, घर वालों को भी कंपनी वालों की तरह कंट्रोल में रखते हैं। बच्चे घर में क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब उसका पिताजी आ रहा है ऐसे गाड़ी का कुछ सिग्नल उसको कानों में पड़ा, डिसिप्लिन बाहर से डिसिप्लिन अंदर अंदर एक किसका पहचान, क्रोध का पहचान, क्रोध का पहचान है डर। हमारे वाइब्रेशन से दूसरे डरते हैं, हमारे में क्रोध का संस्कार है। हमारे वर्तन से किसी को कुछ ना कुछ ये वाइब्रेशन मिल जाता है, जो कि वृक्ष में बताया गया हमारे अंदर क्रोध है। क्रोध महा शत्रु इसलिए बोला, केवल शत्रु नहीं, शत्रु का मतलब एक होता है, ये महाशत्रु वो केवल एक नहीं आता है, पूरा सेना लेकर के आता है, पूरा उसका किंगडम साम्राज्य स्थापन करने के लिए, मन का खुशी शांति को दमन करने के लिए वो कैसे आता है, पूरा अपना खानदान को लेकर के आ जाता है। अभी बोले माताएं माइयों बहनों कुमार या कुमार सभी बोलो, क्या हमारे अंदर ऐसे रावण का जी संभालना अच्छा है, जो कहते हैं इसको मैं थोड़ा पालना करूं तो हाथ को पालना करेंगे क्रोध को, बहुत उसका पालना हो गया। देखो मैं अपना एक बात आपने सूक्ष्म रीति से आपको बता देना, एक क्रोध खत्म करना है तो एक युक्ति जानना है। जैसे एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष हमेशा ही उगता रहता है, कोई माली में उस वृक्ष को काटता है, एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीने के बाद फिर वो वैसे ही वैसे पैदा हो जाता है। तो माली ने देखा कि कैसे है, हर समय इसको कट करता हूं फिर भी वो पैदा हो जाते हैं, क्या करें। तो मारी ने सोचते हैं हाँ मैं एक भूल कर रहा हूं, क्या उसको पानी दे रहा हूं, उसको पानी देना बंद करना है। जब उसको पानी देना बंद कर दिया तो एक महीने में थोड़ा उसका पावर डाउन हो गया, दो महीने में और भी पावर डाउन हो गया, तीन महीने में पावर डाउन हो गया और वो पूरा। इसलिए अंदर क्रोध को पानी नहीं देने से मर जाता है। कैसे पता चलता है आपके अंदर क्रोध है या नहीं, आपको मालूम है आपके अंदर ऐसे क्वालिटीज होता है, किसी के प्रति नफरत होता है, कोई ना आपको आपके समय पर उपकार नहीं करता है, आपने अपने जीवन काल में बहुत हेल्प किया, समझो आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपके दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई कोई आपने हेल्प किया बहुत बार, आपको उनसे कुछ हेल्प की जरूरत था तब वो आपको हेल्प नहीं किया, तो अंदर क्या होता है एक भावना प्रकट हो जाता है। क्या भावना प्रकट हो जाता है, मैंने भूल किया इसको हेल्प करके, मुझे ऐसा कभी मौका मिले तब मैं भी इनको उसी तरह से पाठ पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, क्या है अंदर घृणा का भावना, घृणा का भावना, होल्डिंग नेचर, रिवेंज नेचर, ऑर्गन रिवेंज, क्या क्रोध नहीं, केवल बाहर बोलना वो क्रोध नहीं, समझो कोई लेकर के तलवार गन लेकर के जो युद्ध के मैदान में चलता उसी को क्रोध नहीं समझो, क्रोध मतलब सूक्ष्म रूप से बहुत होता है। शांति दूत आत्मा ये समझ में आ रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ समझो क्लियरली।